हेलो गाइस, आज मैं आपको केक बनाना सिखाऊंगी। चॉकलेटी केक। चॉकलेटी केक के लिए केवल ये बिस्किट चाहिए। 3 बिस्किट मैंने यहाँ पर लिए हैं, चॉकलेट बिस्किट। ये 5-5 रुपए के चॉकलेट बिस्किट हैं। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। अगर आप 2 चॉकलेट बिस्किट, एक कोई भी दूसरा बिस्किट भी ले सकते हैं, तो कोई भी बिस्किट ले लीजिए। इसको हमें तोड़ के इसको बारीक पीस लेना है ग्राइंडर में, मिक्सी में। तो देखिए देखिए गाइस, मैंने इसको उसमें डाल लिया। अब इसे बारीक पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे इसका। ये देखिए गाइस, ये पाउडर बन गया है पूरा। अब इस पाउडर को हम निकाल लेंगे। देखिए गाइस, यहाँ मैंने पाउडर निकाल लिया। अब इसमें हम दूध मिला लेंगे। दूध मिला के ऐसे एक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो इसमें चीनी डाल लीजिएगा थोड़ी सी। ये ऑलरेडी बिस्किट बहुत मीठा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर चीनी नहीं डाली है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी डाल लीजिएगा। देखिए, अब मैं इसमें दूध डालूंगी। गाइस, अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कोई भी लम्ब नहीं रहना चाहिए इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 3 ही बिस्किट लेंगे क्योंकि मैं छोटा केक बना रही हूँ। अगर आप बड़ा केक बनाना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बिस्किट ले लीजिएगा। ओके, इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई लम्ब नहीं रहने चाहिए, इतना इसे हिला लेंगे यहाँ पर। देखिए गाइस, ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। फेंट लेना है इसे अच्छे से, एकदम सही पेस्ट बना है। इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और तब तक हम कुकर को प्री हीट करने के लिए रख देते हैं। इसको अभी ढक के रख देते हैं। देखिए गाइस, जब तक हमारा वो तैयार होता है 5 मिनट, 5 मिनट तक हमें इसे कुकर को प्री हीट करना है। याद रखिएगा, हमें कुकर की सीटी नहीं लगानी है यहाँ पर। ये जो सीटी है, मैंने सीटी निकाल ली है, तो सीटी नहीं लगानी है। इसे प्री हीट कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ढक्कन लगा देंगे ऊपर से। केवल रखना है, ओके, वो भी लो फ्लेम में इसे कर। देखिए गाइस, केवल इसे ढक्कन लगा के 5 मिनट तक प्री हीट करना है, ठीक है? लो फ्लेम में प्री हीट करना है इसे, लो फ्लेम में प्री हीट, ओके? गाइस, हमें जिस बर्तन में केक बनाना है उसको तैयार कर लेते हैं। मैं छोटा सा यहाँ पर टिफ़िन ले रखा है, तो इसके लिए हमें इसमें पूरा घी लगा के या तेल लगा के इसे पूरा सही कर लेंगे। और ये पेपर जो है, बटर पेपर की जगह हम ये पेपर यूज़ कर रहे हैं। ये A4 शीट का पेपर है, इसको इसी के साइज़ में मैंने काट दिया है। और इसमें हम घी लगा लेंगे। देखिए, अभी इसमें घी लगाना है सबको, यहाँ भी और इधर भी, सब जगह हमें घी या तेल लगाएंगे। देखिए गाइस, मैंने इसमें पूरा घी लगा लिया है। अब इसमें बटर पेपर रख लेंगे। देखिए गाइस, मैंने इसमें पेपर रख लिया है। ये पेपर जो है A4 शीट का पेपर है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल पेपर है। इसके कट में हमने काट दिए गोला में और हमने इसमें रख दिया। अब इसके ऊपर भी हम घी लगा लेंगे और ये हमारा तैयार है केक का बर्तन, ठीक है? तो जैसे ही 5 मिनट हो जाते हैं, हम इसमें पेस्ट डालेंगे। अभी देखिए, ऐसे कि 5 मिनट हो गया है इसको। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें इनो है, ये आधा पैकेट इसमें इनो का डालना है, ठीक है? आधा पैकेट इनो का डाल के इसमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, वो भी स्लोली स्लोली इसे मिक्स करना है। और जस्ट बेक होने से पहले इसमें इनो डालिएगा, पहले मत डालिएगा, वरना अच्छे से बेक नहीं होगा। तो इसमें आधा हम ये पैकेट इनो डालेंगे। अब इसे स्लोली स्लोली मिक्स कर लेना है पूरा। देखिए गाइस, अभी मिक्स हो चुका है। अब इसको हमें इसमें डाल लेना है जिसमें हमें केक बनाना है। तो ये बर्तन हमने तैयार कर लिया था, अब इस बैटर को इसमें डाल लेंगे। देखिए गाइस, ये हमने बैटर इसमें डाल लिया है, ठीक है? ये बैटर हमने इसमें डाल लिया है, अभी हमारा तैयार है रखने के लिए। गाइस, हमारा ये भी अब प्री हीट हो चुका है, इसको निकाल लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमें इसके में कुकर में रखने के लिए एक स्टैंड चाहिए। कोई भी स्टैंड ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक पुरानी छलनी ले ली, मेरे पास पुरानी छलनी थी, मैं इसको इसके अंदर डाल लूँगी। ये देखिए गाइस, मैंने ये छलनी स्टैंड के तरीके से इसको यूज़ कर रही हूँ, उस छलनी को। ये पुरानी छलनी मेरे पास पड़ी थी। कोई भी आप स्टैंड रख लीजिए, जिसके ऊपर नी स्टैंड नहीं है तो कटोरी रख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब इस बैटर को हमने इसके ऊपर रख देना। ये देखिए गाइस, बैटर रख दिया है। अब इसे कुकर को बंद कर लेंगे 20 या 25 मिनट के लिए, इसे बेक होने के लिए छोड़ देंगे। और इसमें याद रखिएगा, सीटी नहीं लगानी है सर, सीटी नहीं लगानी है, ठीक है? देखिए गाइस, हमने बिना सीटी के इसमें ये जो सीटी है नहीं लगानी है। और इसमें स्लो आंच में 20 से 25 मिनट तक इसे रख देंगे बेक होने के लिए। गाइस, मैं बताना चाहूँगी, मैंने इस कुकर में नीचे से डाला था नमक। आप ज़रूरी नहीं है उसे डालिए, आपकी मर्जी है। डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा नमक उसमें फैला दीजिए, अदरवाइज आप नहीं भी यूज़ करेंगे तो चलेगा। बस स्टैंड रख लीजिएगा, स्टैंड नहीं है तो कटोरी,
या कोई भी प्लेट जिसमें आप उसमें रख सकें बेक होने के लिए। ये देखिए गाइस, 20 मिनट बाद मैंने देखा ये बेक हो चुका है। ये पूरी फुल कटोरी देखो फुल चुका है। अब इसे चेक करने के लिए इसमें फोक डाल के इसे चेक करेंगे या फिर इसमें नाइफ डाल के इसे चेक करेंगे। अगर पेस्ट लग के आता है तो इसका मतलब इसे और बेक होना है, अगर पेस्ट नहीं लगता तो इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो चुका है। ये देखिए गाइस, ये देखिए इसमें पेस्ट लग के नहीं आया है, इसका मतलब ये बेक हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये अच्छे से बेक हो चुका है हमारा केक। ये देखिए गाइस, ये केक एकदम तैयार है, ये अच्छे से बेक हो चुका है। और इसके आसपास हम देख सकते हैं ये जो है खुद ही निकलने लगा है, इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो चुका है। अब इसे निकाल लेंगे हम प्लेट में। ये देखिए गाइस, मैंने निकाल लिया ये केक, ये अच्छे से बेक हो चुका है। ये देखिए गाइस, ये मैंने तीन चीज़ से गार्निश करने के लिए ली है। अब इसको लगा लेंगे, इसमें अच्छे से सजा लेंगे। अब अपने अनुसार से सजा सकते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा केक तैयार है, मैंने सजा लिया है अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये अच्छे से बेक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।